गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड 3F। आई होप यू हैव डन ऑल क्वेश्चंस। नाउ टुडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 3G। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 3G इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जिसे हमें डेसिमल की फॉर्म में सॉल्व करना है। ओके, 3G क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट 3/20। ओके, तो बच्चों इसको हम डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 20 से। ओके, तो नाउ यू कैन सी 3 क्या है, इससे छोटा है, तो यहाँ 0 आएगा, देन डेसिमल, देन 0, तो 20 रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 10। फिर भी ये छोटा है, यहाँ डेसिमल ऑलरेडी है, तो 1 और 0 यहाँ प्लेस हो जाएगा, तो 25 जा 100। ओके, यहाँ हमारा क्या बचा, रिमाइंडर 0। तो इट मीन्स वी कैन से 3/20 इज इक्वल टू 0.15। ओके, ऐसे ही आपको इन सभी को डिवाइड कर लेना है जो मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं। पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है और फिर आपको डिवाइड करना है। नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल करेक्ट टू 3 decimal places। इसको हमें 3 decimal places तक राइट डाउन करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बच्चों वही है, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता रहा हूँ, 3/17। ओके, जब हम क्या करते हैं बच्चों, 3 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये छोटा है, तो 0 decimal के बाद हम 0 प्लेस कर सकते हैं। 17 1 जा 17 17 2 जा 34, तो दैट्स वाई 17 1 जा 17। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1, 13 है, फिर डेसिमल है 0। ओके, हेयर इज नंबर 130। तो 130 बच्चों, जो हम 7 की टेबल रीड करते हैं, तो 17 7 जा होता है हमारा 119। 17 8 जा जब हम करेंगे तो 136 होता है, तो वो 136 130 से ग्रेटर होगा, दैट्स वाई 117। जब हम 130 में से 117 माइनस करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है 113 में से 119 को जब माइनस करेंगे, तो ये बचेगा हमारा 11। हमें 3 decimals तक करना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो डेसिमल्स के बाद 3 places, तो यहाँ 7 है, फिर भी ये इससे छोटा है, तो 0 प्लेस करेंगे। नाउ 17 6 जा होता है 102, 76 जा 102, रिमाइंडर 8। हमें 3 decimals तक करना था, तो 3/17 इज इक्वल टू 0.176, डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस हो गए। ओके, तो ऐसे ही इनके रिमेनिंग पार्ट्स आप कर लेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 3G, अंडरस्टूड। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू पावर एंड एक्सपोनेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे, हम अपने नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ओके, तो आज बच्चों आप जो ये 3 questions हमने करें, इन 3 के 3 questions के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स को आपको सॉल्व कर लेना है। अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास।